यह डीजल लोकोमोटिव का इंजन ल्यूब ऑयल सिस्टम है। WDM2 लोकोमोटिव में इंजन लुब्रिकेशन के लिए फोर्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम अपनाया गया है। ल्यूब ऑयल डीजल इंजन के विभिन्न गतिमान भागों के बीच तेल की एक पतली परत बना देता है, जिसके कारण गतिमान भाग घिसते नहीं हैं तथा इनके बीच उत्पन्न घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। ल्यूब ऑयल सिस्टम इन उद्देश्यों को पूरा करता है। पिस्टन, सिलेंडर हेड एवं बियरिंगों आदि इंजन के भागों को ठंडा करता है। इंजन के भागों के सतह को खराब होने, घिसने से और जंग लगने से बचाता है। साथ ही इंजन के विभिन्न भागों की सफाई भी करता है तथा इंजन के गतिमान भागों की आयु को बढ़ाता है। इंजन की दाईं तरफ 4 एवं 5 नंबर क्रैंक केस कवर के बीच में डिपस्टिक लगी रहती है। इंजन को स्टार्ट करने से पहले ये अवश्य जांच लें कि इंजन सम्प में ल्यूब ऑयल का स्तर सही है। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, ल्यूब ऑयल पंप इंजन पर लगे क्रैंकशाफ्ट के एक्सटेंशन गियर से चाल लेकर चलना शुरू कर देता है। ल्यूब ऑयल पंप सम्प से ल्यूब ऑयल खींचकर उसका प्रेशर बढ़ाते हुए डिस्चार्ज लाइन में भेज देता है। डिस्चार्ज लाइन में ल्यूब ऑयल रिलीफ वाल्व लगा रहता है, जो 9 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट रहता है। यह रिलीफ वाल्व 9 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक प्रेशर के तेल को वापस रिटर्न पाइप के द्वारा सम्प में भेज देता है। डिस्चार्ज लाइन से एक पाइप इंजन ब्लॉक के दाईं तरफ क्रैंक केस कवर नंबर 1 व 2 के पास लगे सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को जाता है। जहां से तेल छनकर वापस सम्प में चला जाता है। रिलीफ वाल्व से एडजस्ट किया हुआ तेल ल्यूब ऑयल फिल्टर हाउसिंग में आ जाता है, जहां यह 8 पेपर टाइप फिल्टरों द्वारा छनकर ल्यूब ऑयल कूलर में जाता है। ल्यूब ऑयल फिल्टर हाउसिंग के दोनों ड्रेन कॉक बंद और सील रहते हैं। ल्यूब ऑयल फिल्टरों के जाम हो जाने पर जब इनलेट साइड और डिस्चार्ज साइड के प्रेशर में 20 PSI का अंतर आता है, तब उनके बीच में लगा डिफरेंशियल बाईपास वाल्व द्वारा बिना छना हुआ ल्यूब ऑयल को ल्यूब ऑयल कूलर में भेज देता है। ल्यूब ऑयल कूलर में तेल पानी के द्वारा ठंडा होकर ल्यूब ऑयल रेगुलेटिंग वाल्व तथा इंजन रूम में फ्री एंड पर लगे ल्यूब ऑयल स्ट्रेनर में आता है। रेगुलेटिंग वाल्व 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट रहता है और इतना ही प्रेशर सिस्टम में भी बनाए रखता है। इससे ज्यादा तेल का प्रेशर होने पर तेल रिटर्न पाइप के द्वारा सम्प में चला जाता है। स्ट्रेनर का ड्रेन पाइप कॉक भी बंद होना चाहिए। स्ट्रेनर से तेल छनकर मेन हेडर में आ जाता है, जहां से 5 कनेक्शन दिए गए हैं। नए लोको में टर्बोचार्जर को लुब्रिकेट करने के लिए कनेक्शन ल्यूब ऑयल स्ट्रेनर के इनलेट पाइप से लिया गया है। ल्यूब ऑयल टर्बो फिल्टर से छनकर टर्बोचार्जर में लगी ब्लोअर और टरबाइन के बियरिंगों को लुब्रिकेट करके बाईं तरफ नीचे से निकलकर ल्यूब ऑयल सम्प में चला जाता है। मेन हेडर इंजन ब्लॉक के ल्यूब ऑयल सम्प में लगा रहता है, जिस पर 9 एस पाइप लगे रहते हैं। एस पाइपों के द्वारा लुब्रिकेटिंग ऑयल मेन बियरिंगों पर आता है और मेन बियरिंगों को लुब्रिकेट करता है। फिर क्रैंकशाफ्ट में बने होल्स द्वारा आकर क्रैंक पिनों तथा कनेक्टिंग रॉड बिग एंड बियरिंगों को लुब्रिकेट करता है। वहां से ऑयल कनेक्टिंग रॉडों के राइफल छिद्रों से होता हुआ कनेक्टिंग रॉडों के स्मॉल एंड पर गजन पिन आदि को लुब्रिकेट करता हुआ
पिस्टन पर लगे ऑयल रिंग्स से निकलकर सिलेंडर लाइनरों और पिस्टन के बीच आ जाता है। वहां से पिस्टन पर लगे ऑयल स्क्रैप रिंगों के द्वारा कुरचकर तेल सम्प में वापस चला जाता है। दूसरी और तीसरी शाखा मेन हेडर से इंजन के बाईं और दाईं तरफ के सेकेंडरी हेडर पर आती है तथा वहां से निकलकर वाइब्रेशन डैम्पर और कैमशाफ्ट बियरिंगों को लुब्रिकेट करके इंजन के बाईं और दाईं तरफ इंजन ब्लॉक पर आ जाती है। सेकेंडरी हेडर पर लगे टी कनेक्शनों से एल पाइपों के द्वारा लुब्रिकेटिंग ऑयल वाल्व मैकेनिज्म को लुब्रिकेट करता हुआ दोनों पुश रॉडों के रास्ते से होता हुआ इनलेट और एग्जॉस्ट की कैम लोब्स को लुब्रिकेट करता हुआ वापस सम्प में चला जाता है। सेकेंडरी हेडर के टी कनेक्शन से दूसरा पाइप क्रॉस हेड पर लगे फ्लोटिंग बुश एवं फ्यूल पंप लिफ्टर को लुब्रिकेट करता हुआ वापस सम्प में चला जाता है। ल्यूब ऑयल दाएं तथा बाएं से होता हुआ पावर टेक ऑफ एंड पर लगे दोनों कैमशाफ्ट गियरों को स्प्रे नोजलों के द्वारा लुब्रिकेट करता हुआ वापस सम्प में चला जाता है। चौथा कनेक्शन मेन हेडर के बाएं तरफ से होते हुए OPS के द्वारा ल्यूब ऑयल प्रेशर गेज को गया है। OPS अर्थात ऑयल प्रेशर स्विच 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर पिकअप होता है और 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ड्रॉप हो जाता है। वह लोको जिसमें वुडवर्ड गवर्नर लगा है उसमें मेन हेडर से पांचवी शाखा गवर्नर को जाती है। यह डीजल लोकोमोटिव का इंजन ल्यूब ऑयल सिस्टम था।